अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमरीन अली और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। नाज़रीन, अमरीका की जानिब से ड्रोन हमलों से मुतालिक अहम फैसला। अमरीकी सदर जो बाइडेन इंतजामिया ने जंग ज़दा इलाकों के सिवा दीगर इलाकों में ड्रोन हमले बंद करने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान पेंटागन का कहना है कि ऐसे इलाके जहां अमरीकी फौज मौजूद है लेकिन वहां जंग नहीं, तो ऐसी जगहों पर ड्रोन हमलों को रोक दिया गया है। तर्जुमान ने कहा कि ये पाबंदी मुस्तकिल नहीं लगाई जा रही और न ही इसका मतलब ये है कि ड्रोन हमले नहीं होंगे। हम बैन अलाक्वामी शराकत दारों के साथ इंतहा पसंदों के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल के इल्जाम में डेरेक शोवन का ट्रायल शुरू। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक अमरीकी पुलिस एहलकार डेरेक शोवन एक सियाह फाम शख्स को अपने घुटने तले दबाकर हलाक करने से कबल भी ताकत के बहमाना इस्तेमाल का रिकॉर्ड रखते थे। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल 25 मई को अमरीकी पुलिस के हाथों सियाह फाम जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल के बाद अमरीका में नस्ल परस्ती के खिलाफ बड़ी तादाद में एहतजाज हुए और मुतअद्दिद रियासतों में फौज तलब कर ली गई थी। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कोरोना वबा की वजह से हज उमराह सेक्टर के मुतासर अफराद और इदारों के लिए मराहत पैकेज की मंजूरी दे दी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इन इकदामात में मुतअद्दिद शोबों में हजाज और सर्विसेज फराहम करने वाले इदारों और अफराद को सालाना फीसों और टैक्सों में छूट देने के इकदामात शामिल हैं। हज और उमराह इदारों से वाबस्ता गैर मुल्कियों की अकामा फीस 6 माह तक मुअख्खर करने के साथ साथ इन्हें 1 साल तक किस्तों में फीस अदा करने की सहूलत दी गई है। हज उमराह इदारों की बसों के परमिट में 1 साल की मुफ्त तौसी की जाएगी। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब ने कोरोना वबा के मनफी असरात का शिकार होने वाले इदारों की बहाली के लिए 150 से ज़ायद मराती पैकेज का ऐलान किया है, जिसके लिए 1,80 अरब रियाल की रकम मुख्तस की गई है। स्विट्जरलैंड में हजाब पर पाबंदी लगा दी गई। स्विस इस्लामिक ग्रुप ने फैसले के दिन को यौम सियाह करार दिया और कहा कि फैसले को अदालत में चैलेंज किया जाएगा। हजाब पर पाबंदी के हवाले से होने वाले रेफरेंडम में इब्तदाई नतज के मुताबिक स्विस आवाम की अक्सरियत ने पाबंदी के हक में वोट दे दिया। स्विट्जरलैंड में 54% लोगों ने नकाब पर पाबंदी लगाने के हक में वोट दिया। दुनिया भर में खवातीन के आलमी दिन की मुनासबत से खैबर पख्तूनख्वा स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स की जानिब से खेलों की रंगारंग मेले और फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है। मजीद जानते हैं पेशावर से फातिमा नासिर की रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत के साथ होंगे। आज 8 मार्च है, पूरी दुनिया में आलमी योम ख़वातीन यानी वेमेंस डे मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के कयूम स्टेडियम में, जहाँ फुटसाल की टूर्नामेंट का आगाज़ किया गया है। ख़वातीन खिलाड़ियाँ हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान भर से 161 खिलाड़ियाँ यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद हैं, जो कि 12 टीमों पर मुश्तमिल हैं। इनसे जानते हैं और पूछते हैं कि ख़वातीन को अपना जो दिन है, जिसे कि ख़वातीन से मंसूब किया गया है, उसे किस तरह मनाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, नाम बताइएगा। मिनाहिल आमिर। मिनाहिल, ये बताइएगा कि पाकिस्तानी ख़वातीन अपना योम ख़वातीन कैसे मनाना चाहती हैं। एक्चुअल पाकिस्तानी ख़वातीन को वुमेंस राइट्स पर मुश्तमिल एक लाइफ चाहिए, क्योंकि ये दिन सिर्फ एक दिन पर मुश्तमिल नहीं होना चाहिए। हमें चाहिए कि हम दिन रात हमें अपनी मर्ज़ी करने का मौका मिले और हम जब घर से निकले तो हमें ये डर ना हो कि आगे से कोई हम पे उंगली उठाएगा या कोई मसला होगा हमारे लिए। अच्छा, आपने ये तो कहा कि कोई डर ना हो कि हम पे कोई उंगली ना उठाए, आपने आज़ादी की भी बात की, तो इनसे पूछेंगे कि किस तरह की आज़ादी आज की औरत को चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, नाम बताइएगा। मानूर फैसल। मानूर, ये बताएं कि आज की औरत कैसी आज़ादी चाहती है? क्या ऐसी आज़ादी चाहती है कि अपना खाना खुद गर्म करो? ऐसी भी आज़ादी चाहती है, ये तो आज़ादी हमारे पास है ही, लेकिन हम लोग को ये भी आज़ादी चाहिए कि जैसे हमारे घर के मर्द बाहर निकलते हैं और सारे काम जैसे मर्द करते हैं, वो औरतों को ना करने को बोलते हैं कि आपने घर रहना है और आपने सिर्फ बच्चों का ध्यान रखना है, लेकिन औरतों को भी बाहर निकलने का मौका चाहिए, मिलना चाहिए, और बाहर निकल के वही काम करने का मौका मिलना चाहिए जो मर्द करते हैं। अगर हम इसी लिमिट में रह के अपने आप को आगे बढ़ाएं तो यकीनन हमारे माँ बाप भी हम पे फ़ख्र करेंगे और हम एक रोल मॉडल पर पेश करेंगे। बहुत सी फैमिलीज़ हैं कि जो अपने फीमेल्स को नहीं छोड़ दी कहीं पर भी, तो वो हमें देख के फिर ज़रूर ये कहेंगे कि भाई ये लोग जिस अच्छे रास्ते में गए, कामयाब हुए, हम भी चाहते कि आप आगे बढ़ें। आपने देखा हमारे मुल्क की ख़वातीन कहाँ तक नहीं पहुँची,
उन्होंने पहाड़ फतह किए, पायलट्स हैं, आर्मी में हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और माशाल्लाह किसी शोबे में कम नहीं है। तो मुझे अपनी पाकिस्तानी ख़वातीन पर फ़ख्र है कि वो हमेशा इसी तरह तरक्की करती रहे। आज़ादी को आप ले सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में बेहयाई के अलावा, मतलब आप हया में, इज्जत में, इस्लामी कवानीन को रख के और उनको फॉलो करके अपनी आज़ादी मना सकते हैं और आगे ज़िंदगी में जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। जैसे कि हमारे नाजरीन ने, हमारे पेशावर ही की नहीं बल्कि पाकिस्तान से आए हुए बहुत सारे ख़वातीन की, लड़कियों की, बच्चियों की बातें सुनी, इन तमाम ख़वातीन का, इन तमाम लोगों का यही कहना है कि एक जायज़ हद में आज़ादी जिसके अंदर रहते हुए वो ग्रो कर सकें, फ्लॉरिश कर सकें, कामयाबी हासिल कर सकें। और आज जो ये मैदान सजा है, यहाँ पर बिलाशुबा जो ख़वातीन मौजूद हैं वो इस बात की गवाही दे रही हैं कि पाकिस्तान के तमाम वालदैन, पाकिस्तान का मुआशरा, जो सोसाइटी है, वो एक्सेप्ट करती है औरत की कामयाबी को, औरत के आगे बढ़ने को। यहाँ की ख़वातीन सेलिब्रेट कर रही हैं आज वेमेंस डे को अपनी जीत के साथ पूरी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग लेबर विंग के मरकजी सदर सैफुर रहमान की जेर सदारत इस्लामाबाद में एक इजलास मुनक्किद हुआ। लेबर विंग के मरकजी सदर सैफुर रहमान ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस वक्त पाकिस्तान सियासी और मुआशी तौर पर मुकम्मल बहरान का शिकार है। मुल्क को मजबूत और तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए मजबूत क़यादत की जरूरत है। इस मौके पर ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग दुबई के सदर यूनस मलिक ने लेबर विंग के पार्टी इकदाम को सराहते हुए कहा कि ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग लेबर विंग पार्टी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इजलास में और पाकिस्तान मुस्लिम लीग लेबर विंग के मरकजी सीनियर नायब सदर और एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद वसीम, मरकजी नायब सदर मिर्जा नवीद बेग, फनान सेक्रेटरी सिद्दीक खानजादा, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी काशिफ कादरी, शारिक जुबैरी और दीगर अहदेदारों ने शिरकत की और तंजीमी मामलों पर अपनी अपनी राय का इजहार भी किया। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह मर्दान ने भी वेमेन डे के हवाले से वमन यूनिवर्सिटी में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसील मर्दान से फजले हक की इस रिपोर्ट में। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह मर्दान में भी वुमेन डे के हवाले से वुमेन यूनिवर्सिटी में एक पुरकार तकरीब का इनेकाद किया गया जिसके मेहमान खसूसी विफाकी वजीर मुमलिकत जरताज गुल वजीर थी। तकरीब में वुमेन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर गजाला निजाम, असिस्टेंट कमिश्नर समन अब्बास, DSP रुजीना अल्ताफ और जम जुंदन की चेयरपर्सन वफा वजीर के अलावा तालिबात ने भी कसीर तदाद में शिरकत की। इस मौके पर विफाकी वजीर मुमलिकत जरताज गुल वजीर का कहना था कि हमें वो हुकूक चाहिए जो हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम में दिए है। वुमेन्स इंटरनेशनल डे पे मुझे अपनी तमाम बच्चियों को और तमाम माओ बहनों बेटियों को सैल्यूट करना है और मुझे उनको ये बताना है कि हमें उस हक की तलाश है, हमें वो राइट्स चाहिए जो हमें खातिमुन्नबीन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम में दिए हैं। हम किसी और फलसफे के हकूक हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वही हकूक चाहिए। और मुझे पता है कि उन्होंने हमें बराबरी के हकूक दिए हैं, चाहे वो तालीम के मैदान में है, चाहे वो विरासत के मैदान में है, या जो भी हमारे मॉरल अथॉरिटीज़ के लिहाज से माँ बहन बेटी के हकूक हैं, हमें इस्लाम से बेटर कोई नहीं दे सकता। तो मुझे वही हकूक मुझे चाहिए अपने वुमेन इंटरनेशनल डे पर। हम उसके लिए कोशिश करें, लेकिन ख़वातीन को अपने हिस्से की आवाज़ भी उठानी पड़ेगी। जमुन जुंदन की चेयरपर्सन वफा वजीर का कहना था कि ख़वातीन को हर मैदान में अपना लोहा मनवाना चाहिए। 8 मार्च के हवाले से जमुंग जुंदन हमेशा से इवेंट अरेंज करता आ रहा है क्योंकि ख़वातीन के हकूक को हमने उजागर करना है। अब ये दौर है कि वह ख़वातीन को आगे आना है, मर्द के शाना बशाना काम करना है, उन्होंने अपने हर एक मैदान में अपना लोहा मनवाना है। जमुंग जुंदन ने हर एक शोबे से ख़वातीन को बुलाया था, चाहे वो पॉलिटिक्स से हो, चाहे वो पुलिस से हो, चाहे वो सोशल वर्क से हो, हर एक फील्ड से बुलाया था। जस्ट रीज़न ये कि हमारी जो बच्चियाँ यहाँ पर पढ़ रही हैं, यहाँ से कुछ सीख जाएँ, उनसे कुछ इंस्पायर हो और पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें। तकरीब के अख्तिताम पर वफाकी वज़ीर मुमलिकत जरताज गुल वज़ीर ने केक काटा और क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। फजल हक, वॉइस ऑफ उर्दू, मर्दान। और अब मौसम। अस्सलाम वालेकुम। मौसम की ताज़ा तरीन सूरतेहाल के मुताबिक सोमवार से बुध के दौरान दीर, चित्राल, मालाकंद, बुनेर, सवात, कोहिस्तान, शांगला, हरिपुर, एबटाबाद, मानसेरा, मरी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पतला अबरगलूद रहने के साथ मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है।
تاہم اس دوران صوبہ پنجاب اور زیری خیبر پختونخوا کے اضلاع میں موسم خشک رہنے کی توقع ہے۔ اگلے چند روز کے دوران صوبائی سندھ اور بلوچستان میں موسم بددستور خشکی رہے گا، جبکہ دن کے دوران دھوپ کی شدت تیز ہوگی۔ پردیس میں بسنے والے پاکستانیوں کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو لائک کریں۔ دیکھتے رہیے وائس آف اردو یورپ۔